और अब मैं मौका दूंगी हमारे इंतजामिया के भाई कैरिस्मेटिक प्रेयर ग्रुप इंतजामिया के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर ट्रेवर सेप्टल, मिस्टर ट्रेवर सेप्टल वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें और दुआ भी करें पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए। खुदावन यीशु मसीह में आप सबको मेरा इस प्यारे से ग्रुप कैरिस्मेटिक प्रेयरशिप की जानिब से और खुदावन में आप सबको सलाम। और एक दफ़ा फिर आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने तालियों के साथ मुझे वेलकम किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ब्रदर। जैसे कि हम सब जानते हैं आज के इस प्यारे दिन के लिए, इस वक्त के लिए हम अपने खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने फिर हमें मौका दिया और उस मौके के साथ हमने ये जो इंडिपेंडेंट डे, आई विश यू ऑल अ हैप्पी हैप्पी 68 इंडिपेंडेंट डे। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। जश्न आज़ादी तो वाकई हम इतने सालों से बनाते आ रहे हैं और जब हम पास को आज़ादी को देखें और कभी कभार डॉक्यूमेंट्री फिल्म आती है, मौका मिलता है देखने के लिए कि हाउ पाकिस्तान केम, जब पाकिस्तान बना उस पे हिस्ट्री में इतनी लोगों ने कुर्बानी दी और जो कुर्बानी दी आप हम सब जानते हैं, किसी से कोई छुपी हुई बात नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। और क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन दिनों ज़रूर टीवी पे चलती है और मैं इसी इसमें आप सबसे थोड़ा सा शेयर करूँगा आज़ादी के हवाले से। हम जब आज़ादी का नाम लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है और जब हम ये कहते हैं कि आई प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी तो बड़े लोग हमें बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं, ऊपर से नीचे तक देखते हैं, ना कि बाहर के लोग, हमारे अपने लोग बड़े नेगेटिव देखते हैं, सोचते हैं कि ये एक पाकिस्तानी यहाँ रहता है और ये कह रहा है आई बी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। आजकल दो वर्ड है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और वो यही है नेगेटिव पॉजिटिव कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, चाहे हम उसमें खाने को देख लें, पीने को देख लें, कॉस्ट वाइज भी देख लें, पूरी वर्ल्ड में इस जैसा चीपेस्ट मुल्क कहीं नहीं है। खुदावन ने जितना भी दिया देखने के लिए पाकिस्तान से बाहर बहुत देखा और हमेशा कन्वर्जन के साथ देखा, हमेशा वो गैप देखा कि ये गैप क्या है। ये नहीं कि सिर्फ घूमने चले गए और चर्चेस देख लिए, नहीं, हमने मार्केटिंग देखी, हर चीज़ देखी। और मैं ये आप लोगों को बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारी वर्ल्ड में नामी जाती है, रेकग्नाइज होती है। लाइक जब जनरल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, हमारी कॉटन, हमारा वीट, हमारी शुगर, चीनी, कोयला, कॉपर, यहाँ तक के हमारा गोल्ड दुनिया में माना जाता है। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सी पोर्ट हमारे पास इस जो ग्वादर सी पोर्ट है, ये वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट, सबसे गहराई जो सी की जो है पूरी दुनिया में है, वो ग्वादर है सी पोर्ट की है। और ये पूरी वर्ल्ड जिसको रिकग्नाइज करती है और मानती भी है। और बात यह है जब ये बन गया है तो हमने इसको पॉजिटिव लेना है, इस पर हमने वो जो सोर्सेस है हमने यहाँ से वो सोर्सेस निकालनी है और हमने करनी है। और ये कौन करेगा? मैं और आप करेंगे। ये आज़ादी है, ये है आज़ादी जिसको हमने सेलिब्रेट करना है, जिसको लेके चलना है। हम जब किस तरह किसी को कहते हैं तो
तो लोग बड़े हमें नेगेटिव क्यों देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि हमारे यहाँ लाइट का इशू है, हमारे यहाँ सुई सौदन का इशू है, गैस, हमारे यहाँ सीएनजी का इशू है। ये सब हमारी गॉड गिफ्टेड है, पाकिस्तान की गॉड गिफ्टेड है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत है, लेकिन हम अगर उसको पॉजिटिव देखें तो बहुत है वो रियली। लेकिन हम जिस तरह आज़ादी को देखते हैं, आज़ादी के साथ हम उसमें चोरी करते हैं, चोरी करते हैं, और ये आज़ादी से चोरी करते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो हमारे नेगेटिव में जाती है, लोग हमें नेगेटिव देखते हैं। और अगर हम इस इलेक्ट्रिसिटी को कुंडा ना डालें, हम सुई सौदन गैस में चोरी ना करें, हम सीएनजी सिलेंडर्स जो गाड़ियों में तीन तीन चार चार लगी हैं, बड़ी बड़ी बसों में, कोस्टर्स में, वैगन में आए दिन हादसे होते हैं, तो ये सीएनजी भी कभी कम ना हो। ये वो चीज़ें हैं जब हम किसी को बोलते हैं कि बी आई ब्रिंग प्राउड टू बी पाकिस्तानी, तो वो लोग हमें इन चीज़ों में स्कैन करते हैं, हमें फिल्टर करते हैं कि यार ये लोग तो कोई चीज़ को सिस्टमेटिक लेके चलते ही नहीं है, ये बंदा कैसे कहता है कि, और मेरे नहीं बहुत लोग हैं जो कहते हैं आई प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। हमारी आप एजुकेशन देख लें, एजुकेशन हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड रिकग्नाइज है। एनडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आप जाइए, यहाँ का स्टूडेंट जहाँ भी अप्लाई करता है देयर एंड देयर उसको लेता है, लेते नहीं है, बल्कि दे ऑफर यू प्लीज कम ऑन अ स्कॉलरशिप। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ उसकी तमजीद हो। हम आ जाएं मेडिकल पे, हमारा बंदा एमबीबीएस करता है, बंदी में एमबीबीएस करती है, हमारी मेडिकल ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकग्नाइज है। लोग बाहर से यहाँ के आजकल हालत की वजह से नहीं आते, लेकिन इससे पहले बहुत लोग आते थे, आप हम बहुत लोग जानते हैं। उसकी वजह ये नहीं थी, उसकी वजह दो थी, एक कि वो मेडिकल चीपेस्ट था, सेकेंडली रिकग्नाइज है, यहाँ से जाने वाले लोग मास्टर्स करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं, और फिर वापस कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। लेकिन हमारे ही मुल्क के जो आज़ादी से इतनी एजुकेशन लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, हर आदमी अपने अपने बजट अपने सिस्टमेटिक से आज़ादी के साथ एजुकेशन लेता है। और फिर मैं कहता हूँ, फिर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, कि हम जब यहाँ से बाहर अप्लाई करते हैं और हमें फौरी बुलाया जाता है, हमें स्कॉलरशिप दी जाती है, इसलिए कि हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमारी एजुकेशन है, वो रिकग्नाइज है, और ये वो हमारी सोर्सेस हैं जो हमें आज तक लेके चल रही हैं। इतना कुछ हमारे मुल्क में होता है, खुदा उनका शुक्र उसकी तारीफ हो, हमारा सिस्टम चल रहा है। उस जो मसले मसाइल में आप में से कुछ जानते भी हैं, हम भी उस तकलीफ में हैं। हमारा भी छोटा भाई लास्ट ईयर इस फायरिंग वायरिंग में 10 मिनट उतरा नीचे और 10 मिनट में वो खुदा में सो गया। तो लेकिन हमने दुनिया नहीं छोड़ी, हमने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। मुझसे बहुत लोगों ने कहा, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई जानते हैं, आप में से कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं यहाँ, वो भी जानते हैं कि हमें बहुत ऑफर आई कि आप आएँ अपना कैश पुटअप करें। मैंने कहा नहीं, ये सब खुदावन की मर्ज़ी है, और आगे खुदावन की मर्ज़ी होगी तो हम जाएंगे, लेकिन पर्सनली मैं किसी डर और खौफ से नहीं जाऊंगा। अगेन प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। ये चीज़ें सारी वो हैं जो हमारी रिलेटेड हैं। हम अपनी सिस्टम को किस तरह लेके चलें, ये वो सिस्टम है जिसको हम कहते हैं आज़ादी। इसी तरह हम आगे चलते हैं एजुकेशन के साथ साथ, हमारी फोर्सेस हैं। आप हम सब जानते हैं हमारी फोर्स ऑल ओवर वर्ल्ड वेरी दिलेरी से नोन फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो। हम खुदा को शुक्र करते हैं, ये वो आज़ादी है जो हमारी फोर्सेस इतनी दिलेरी अपनी जान दिलेर रख के वो हमेशा जब जब मौका मिलते हैं तो वो अपने आप को फ्रंट लाइन पे लेके आते हैं। हम खुदा उनका इसी तरह शुक्र करते हैं सारी आज़ादी के लिए। आगे चलते हैं, जैसे कि कायद साहब ने फरमाया, हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, ये वो मोटो तीन है, वो तीन मोटो जो जिसपे हम अपने सिस्टम को चलाते हैं। ये वो सिस्टम है, आप सब जानते हैं, और तीन तलवार क्लिफ्टन पे भी ये चीज़, वो एक सॉर्ड है जिसको हम तलवार बोलते हैं, इस पर लिखा होता है यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एक वो चीज़ है जो आप और मेरे को चलाती हैं। जब ये यूनिटी होगी हम, हमारा सिस्टम सुपर चलेगा। लेकिन मसला ये होता है फिर वही हम, कि जब हम जब पाकिस्तानी
हम जब किसी पोजीशन पे आ जाते हैं पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में ही, हम अपने दूसरी साथी को कभी भी उस पोजीशन पे देखना नहीं चाहते, ये वो हमारे लिए नेगेटिव फीलिंग्स है। और आप किसी और कंट्री को देखें, जब वो किसी पोजीशन में जाते हैं, चाहे वेदर इज द पाकिस्तानी इज आउट ऑफ द कंट्री, वो अपने अपनी कंट्री के लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये वो यूनिटी है जो हमें चाहिए, जो हमारे कायद ने फरमाया है। हमने आजादी से उस यूनिटी को नेगेटिव में लेके चले गए, एंड दिस इज व्हाट आज ये टाइम है ये सारी बातों का, हम सबको सोचने का कि ऐसा क्यों है। वो आजादी जो जो कायद साहब ने हमें हमें दी, और वो लोग जिन्होंने हम उस आजादी के लिए अपनी इतनी कुर्बानी दी, हम उस सारी आजादी को इस नेगेटिव में लेके चल रहे हैं, और उसको हम कहते हैं आजाद हैं। हम आजादी से हमारा जो दिल चाहता है हम कर लेते हैं। बात आई फेथ पे, हम जब फेथ की बात करते हैं, जब हमारे फेथ है, हमारे में स्ट्रगलिंग है, हम स्ट्रगल करते हैं, और जब हम अपने पूरे ईमान में हो जाते हैं तो वो काम इजी और इजी हो जाता है। ये वो फेथ जो हमारे कायद ने हम सबके लिए फरमाया है। जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन पे हम आते हैं तो हम सॉरी टू से आप सब जानते हैं कि डिसिप्लिन एक वो चीज़ है जो हमारे सिस्टम को, हमारे घर को, हमारे फैमिली को और हमारे ऑफिसेस को, हमारे आसपास राइट लेफ्ट को एक डिसिप्लिन है जो एक सिस्टम बनाता है। और हमारा डिसिप्लिन आज़ादी वाला जो हम बनाते हैं दैट्स कॉल्ड नेगेटिव, वो ये कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ, गाड़ी में जा रहा हूँ, सिग्नल पे खड़ा हूँ, राइट लाइट देखता हूँ, सार्जेंट नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, जिसको हम बोलते हैं टुल्ला नहीं है, हमने मारी गाड़ी में गेयर और ये गोली, बोले क्या है, बोला आज़ादी हमारा मुल्क है, तो दिस इज नॉट कॉल्ड आज़ादी। आज़ादी का मकसद है कि आप डिसिप्लिन से रहें, और ये डिसिप्लिन हमारे सिस्टम में होना चाहिए। डिसिप्लिन होगा तो हम चलेंगे आगे। हम हर जगह शॉर्टकट मारते हैं, हमने लाइसेंस बनाना है, अब ढूंढते यार कोई एजेंट मिल गया 200 रुपये दे चल भाई निकल, हमने पासपोर्ट बनाना है, हमने 200 रुपये 500 1000 रुपये दिए चल भाई जल्दी काम हो जाएगा, हमने CNIC बनाना है, अब वहाँ भी लगे होते यार कोई है जानने वाला, यार पकड़ यार किस पैसे देने बना, दिस इज व्हाट, ये वो आज दिन है, ये वक्त है कि आज हमने सोचने का है। और ये वो आज़ादी जो कायदे आजम साहब ने हमें दी है, हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमें दी है, वो ये आज़ादी नहीं है। दिस इज आज़ादी शॉर्टकट, जहाँ पे हम शॉर्टकट मार रहे हैं। आज आप लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ से दो चीज़ शेयर करूँगा। एक, जब मैं पासपोर्ट ऑफिस गया अपनी वाइफ के साथ, मैंने देखा इतनी लंबी लाइन लगी, वाइफ परेशान हो गई, वो लेडीज़ में मैं जेंट्स में था, मैंने कहा डोंट टेक एनी टेंशन, आपको पता नहीं अब 2 मिनट सीध हो जाएंगे, वो कह रही यार एजेंट घूम रहे हैं, उनको पैसे दे बना लेते हैं, मैंने कहा बेगम पैसे की टेंशन नहीं है, पैसे बहुत है, लेकिन जब एक सिस्टम है हम सिस्टम पे चलेंगे, व्हाई शुड वी गो अगेंस्ट द बियॉन्ड द सिस्टम, पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो हम क्यू में स्टार्ट हुए, क्यू हुआ 8:45 एंट्री हुई, यू वोंट बिलीव, हम 25 मिनट्स के अंदर हम सारा प्रोसीजर क्लियर करके पूरे 25 मिनट में गेट से बाहर था अपनी वाइफ के साथ। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। ये देखें आप, ये है सिस्टम, ये डिसिप्लिन। जब तक मैं डिसिप्लिन खुद पर्सनली नहीं बनाऊंगा, मैं सिस्टम क्रिएट नहीं करूंगा, तो ये सब कुछ नहीं हो सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। और सबसे खुशी की बात ये, जब मैं पासपोर्ट सबमिट करके आ गया, मैंने जो टाइम फ्रेम मिला, अब मैंने कहा पता नहीं कब मिलेगा, चलें मत तो हो गया, कुछ चंद दिनों में ही विद इन समथिंग 8 या 9 डेज के अंदर हमें टैक्स आया। टैक्स में ये मैसेज था कि जी आपका पासपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब आ गई है, एवरीथिंग इज ओके, और वो प्रोसेस में है, बट आपने आना अभी नहीं है, आपने कब आना है, जब आपकी एक्चुअल डेट जो स्लिप पे है आप उस पर आएंगे। ये था डिसिप्लिन, ये था सिस्टम, ये वो पासपोर्ट ऑफिस है कि अगर आप में से अभी किसी ने नया बनाया होगा पासपोर्ट तो आपको पता होगा, बाकी नहीं मेरे जेब में मेरा मोबाइल है, आई कैन विटनेस यू ऑल, जिसने देखना है कि मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है उससे मैसेज आया कि आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट आपका प्रोसेस हो गया है। ये है डिसिप्लिन, ये है तब्दीली, और ये वो तब्दीली है जो हम और आप सब चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सी आर पाकिस्तान पीपल सीइंग नेगेटिव, वी वॉन्ट टू सी पॉजिटिव पीपल सीइंग पॉजिटिव, वी वॉन्ट अस टू गो पॉजिटिव टू सी पॉजिटिव, और यही वो सारी चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन में आती है। CNIC की बात करते हैं, आजकल उसमें भी यही सिस्टम चल पड़ा है, आप जाएं सबमिशन करें और आपको बकायदा टैक्स आएगा, आपको अपडेट करेंगे,
और आप कॉल पे अपडेट ले सकते हैं। हमें बड़ी खुशी है इन सारे डिसिप्लिन के लिए, इन सारे सिस्टम के लिए कि अब यकीनन ये जो साल है ये साल वाकई तब्दीली का साल है। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ उसकी तमजीद हो। हम जब तक जिस तरह हमारे कलाम में लिखा है, खटखटाया जाएगा तो खोला जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। ये वो डिसिप्लिन है, ये वो सिस्टम है जो हमारे कलाम में लिखा हुआ है। हम सिस्टम पे चलेंगे, हम क्यू में जाएंगे, हमारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे होंगे, हमें कहीं किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, हमारे सिस्टम में कमी है, हम जरूर शॉर्टकट पकड़ेंगे। हम पैसे देंगे, चाहे हम कहीं से भी लें, लेकिन क्योंकि हमने शॉर्टकट करना है, हम इलीगल को लीगल करना चाहते हैं। एंड दिस इज रॉन्ग। ये है डिसिप्लिन के अगेंस्ट। ये वो यूनिटी फेथ डिसिप्लिन ये हमें कहता है। ये नहीं कहता है कि हम शॉर्टकट जाएं, हम पैसे दें जबरदस्ती और शॉर्टकट में जल्द से जल्द काम हो जाए। वंस यू स्टार्टेड सी पॉजिटिव, यू विल सी 101% पॉजिटिव। हम अगर पॉजिटिव देखेंगे नहीं, हम सीधा देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो हम तो जाएंगे लेफ्ट पे। हमेशा दो ही ट्रैक होते, एक अच्छा एक बुरे का। खुदा ने हम सबको कल दनाई दी है, अब हम चाहे अच्छा लें या बुरा लें, हमेशा यही दो ट्रैक है। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज द करेक्ट ट्रैक, करेक्ट वे, पॉजिटिव चलें। और पॉजिटिव चलने में यही है सारी, आपको खुदा की तरफ सपोर्ट होगी, कलाम से सपोर्ट होगी, सारी बातें हमारे कलाम में। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ उसकी तमजीद हो। आगे हम अपने झंडे की बात करते हैं, फ्लैग। वेल, खुदा उनकी तारीफ हो, बड़ा खूबसूरत झंडा है हमारा, और ग्रीन एंड वाइट दो के ग्रीन पोर्शन बहुत बड़ा है, वाइट पोर्शन बहुत थोड़ा है, लेकिन इस थोड़े में ही सब कुछ है। जितनी बरकत है थोड़े में ही है। और हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने ग्रीन जो कि मुस्लिम्स एरिया को शो करती है, वाइट जो कि माइनॉरिटीज को शो करती है, जितने माइनॉरिटीज हैं उनको शो करती हैं। और ये देखें आप, इसके ग्रीन के साथ अगर वाइट ना हो तो इसका मजा ही नहीं है। जिस तरह कहते हैं नमक आटे में नमक नहीं है, ये है। हम अपने खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं। और प्लस जब आज़ादी की बात करते हैं तो हम अपने खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हैं कि हम इस वक्त माइक हो, स्पीकर्स हो, लाउड स्पीकर्स हो, हम बड़े ही आज़ादी के साथ जहाँ मर्जी जाएं पाकिस्तान के अंदर अपना कलाम पेश करते हैं, हम गीत गाते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, स्ताइश करते हैं, और जहाँ जहाँ जैसा मौका मिलता है हम पूरी दिलेरी के साथ आज़ादी के साथ हम अपने प्रोग्राम करते हैं। और आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जहाँ लोगों का बड़ा ख्वाब है जाने का, चाहते हैं देखने का, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, इंग्लैंड है, आप चले जाएं शेंगेन, यूरोपियन पूरे यूरोप में चले जाएं, आपको कहीं पे भी ये आज़ादी नहीं मिलेगी। ये आज़ादी जो आपके और मेरे पास है कि जहाँ मर्जी चाहें जितनी आवाज़ चाहें हम बाहर कर सकते हैं, वहाँ पर एवरीथिंग इज इन बाउंड्री में, दरवाजे बंद है, दरवाजे भी खुले अलाउ नहीं है। Whether you belongs to any religion, आप किसी भी मजहब से हो, आपको अलाउ नहीं है कि आपकी आवाज़ दरवाजे तक पहुँचे, दरवाजे बंद होते हैं। और ये वो आज़ादी है हमारे इस मुल्क में हमारे लिए जो हम वाकई दिस इज कॉल आज़ादी। That's why we say proud to be a Pakistan. आगे हम देखते हैं कायद आजम साहब मोहम्मद अली जिना, जो कि एक बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट पर्सन थे। उनकी जो भी कमिटमेंट हुई उन्होंने की और वो पूरी की। उन्होंने जो प्रॉमिस किया अपने आप से उसको पूरा किया, यहाँ तक कि जब आखिरी दिनों में जबकि वो काफ़ी बीमार थे, बहुत तकलीफ में थे, उनका एक प्रॉमिस था कि ही इज गोइंग टू अटेंड द इनॉग्रेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और वो उस इतनी तकलीफ में जो कि चलने भी जैसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद वो आए और उन्होंने आके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनोग्रेशन किया। अपने खुदा का शुक्र करते हैं ऐसे प्यारे से कायद आजम मोहम्मद अली जिना के लिए, जिन्होंने हमें ये फाउंडर हमारा थे, और जो उनकी ख्वाहिशें जो उन्होंने ये हम आप सबके लिए लेसन है, ये सिस्टम है जो छोड़ गए, हम आज़ादी के साथ उसको आज़ादी और प्लस पॉजिटिव लेके चलें, ना कि हम किसी किस्म की जो है ना कोई शॉर्टकट मारें। और चलते चलते जो उनका
उसका एक पैगाम, एक जिसको कहते हैं